मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम रथ पर बैठा कर ले जा रहे हो, इसी देवकी की आठवीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। मथुरा में उत्सव के माहौल के बीच एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसे सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। एक एक करके कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मार दिया और फिर मथुरा के कारावास में जन्म हुआ श्री कृष्ण का। बाकी संतानों की तरह कहीं हमारी ये संतान भी कंस के हाथों मारी ना जाए, इस विचार से परेशान वासुदेव ने श्री कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद गोकुल ले जाकर मैया यशोदा के पास छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दुष्ट कंस को इस बात की खबर लग गई। वो जान गया कि उसका अंत बनने वाला वो बालक धरती पर जन्म ले चुका है। इस बात को जानकर कंस गुस्से से पागल हो गया और उसने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में इस बालक का अंत करके रहेगा। उसने एक के बाद एक खतरनाक राक्षसों और असुरों को गोकुल भेजना शुरू किया। लेकिन नन्हे से श्री कृष्ण ने हर बार अपनी लीलाओं से सभी असुरों का वध कर इस संसार को पाप मुक्त कर दिया। कंस अपनी मृत्यु से इतना डर चुका था कि अब उसे सपने में भी बाल कृष्ण ही नजर आ रहे थे। उसे खुद को बचाने का एक ही तरीका नजर आ रहा था, श्री कृष्ण को खत्म करना। और इसीलिए उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाया, एक ऐसी राक्षसी जिसका शरीर विष से भरा हुआ था और उसने अपना विष से भरा दूध पिलाकर अब तक कई बच्चों की जान ली थी। पूतना को गोकुल भेजा गया। वहां पहुंचते ही पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। वो अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ गोकुल की गलियों में घूम रही थी। उसकी सुंदरता, मासूम चेहरा किसी को भी उसकी असलियत को पहचानने से रोक रहा था। वो श्री कृष्ण के घर जा पहुंची। उसकी काली आंखें एक भयानक इरादे से भरी हुई थी। मैया यशोदा, रोहिणी और बाकी गोपियों को लगा कि गांव के बाकी लोगों की तरह ही पूतना भी नन्हे कृष्ण को अपना आशीर्वाद देने आई है। लेकिन वो पूतना के बुरे इरादों के बारे में नहीं जानते थे। पूतना कृष्ण जी के कमरे में पहुंची, जहां बाल गोपाल अपने पालने में गहरी नींद में सोए हुए थे। उसने धीरे से उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। कुछ ही देर में श्री कृष्ण उसके स्तन पर अपना जोर बढ़ाने लगे। पूतना की आंखें फूल गई, उसकी नसें फटने लगी और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ गई। उसका दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो जमीन पर गिर गई। उसकी दर्दनाक चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ रहा है। पूतना की सांसें रुकने लगी और कुछ ही पलों में नन्हे कृष्ण ने पूतना के शरीर में भरे विष को निकालकर उस भयानक राक्षसी का वध कर दिया। अब गोकुल में ऐसा तूफान आएगा जिससे ये कृष्ण बच नहीं पाएगा। पूतना की मौत की खबर जैसे ही कंस को मिली, वो परेशान हो गया और उसने एक ऐसे राक्षस को बुलाया जिसने खतरनाक तूफान का रूप लेकर गोकुल पर हमला कर दिया। तृणावर्त, भूकंप और तूफान का रूप लेने वाला एक भयानक राक्षस। एक दिन वृंदावन में उत्सव की तैयारियां चल रही थी। श्री कृष्ण का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था और तभी आसमान में एक अंधेरा साया छा गया। तृणावर्त अपने पूरे बल के साथ वृंदावन में घुस चुका था। घर, पेड़, जानवर सभी को अंदर समाते हुए अब वो कृष्ण जी की तरफ बढ़ रहा था। तृणावर्त ने छोटे कृष्ण को अपने कंधों पर उठा लिया और वहाँ एक भयंकर तूफान आ गया। सारा वृंदावन धूल और धुएं से ढका हुआ था। कुछ ही समय में वृंदावन में इतना अंधेरा हो गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर तृणावर्त ने नन्हे कृष्ण को अपने कंधों पर उठा लिया और उन्हें लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपरी तरफ बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों पर भार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। ये भार इतना ज्यादा हो गया था कि अब वो अपनी जगह से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ उसके कंधे पर रखा हुआ है। पर ये तो नन्हे कृष्ण की अनोखी लीला थी। उन्होंने अपने आप को बहुत भारी बना लिया था और तृणावर्त की गर्दन को दबोच लिया। तृणावर्त छटपटाने लगा। उसने श्री कृष्ण की पकड़ से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी और उसके मुंह से आवाज तो क्या, सांस भी नहीं निकल पा रही थी। दर्द से भरकर जोर जोर से चिल्लाते हुए तृणावर्त जमीन पर गिर पड़ा और इसी तरह श्री कृष्ण को मारने के इरादे से आए इस राक्षस का भी अंत हो गया।
बकासुर, एक ऐसा राक्षस जिसने एक विशाल पक्षी के रूप में आकर बाल कृष्ण को निगल लिया था। एक दिन श्री कृष्ण अपने सभी दोस्तों के साथ गाय चराने निकले। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद वो यमुना के किनारे पहुंचे और वहीं थोड़ी देर आराम करने रुक गए। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आसमान से कोई बड़ी सी काली परछाई गुजरी है और तभी उन्होंने एक विशाल जानवर को देखा जो एक पहाड़ की तरह बड़ा था। उसका सर एक पत्थर जितना कठोर था। अपने पंख फैलाकर उड़ता हुआ ये भयानक प्राणी था बकासुर, जिसे कंस ने भेजा था। बकासुर की नजरें श्री कृष्ण पर गड़ी हुई थी। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ समझ पाते, बकासुर ने अपनी नुकीली चोंच से तेजी से उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें निगल गया। ये खतरनाक दृश्य देखकर उनके सभी दोस्तों की सांसें अटक गई। सभी को लगा कि इस खतरनाक राक्षस ने श्री कृष्ण को खा लिया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सभी देखकर दंग रह गए। जैसे ही बकासुर बाल कृष्ण को निगल कर वापस उड़ा तो उसे अपने गले में जलन महसूस होने लगी। बाल कृष्ण के शरीर से इतनी तेज ऊर्जा निकल रही थी कि देखते ही देखते बकासुर का गला जलने लगा, इतना ज्यादा कि बकासुर ने जल्दी से श्री कृष्ण को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। अब उसने नन्हे कृष्ण को अपनी चोंच से कुचलने की कोशिश की और तभी श्री कृष्ण ने उस विशाल पक्षी को उसकी चोंच के दो हिस्सों से पकड़ लिया और अपने दोस्तों के सामने उसके मुंह को बीच से चीर दिया और इस तरह बाल कृष्ण ने बकासुर का वध किया। एक एक करके अपने सबसे शक्तिशाली असुरों को मरता देख कंस बौखला चुका था और अब उसने अपनी अगली चाल चली अघासुर के रूप में। अघासुर पूतना और बकासुर का भाई था। कंस ने उसके मन में श्री कृष्ण के खिलाफ जहर घोल दिया। बदले की आग में जलता हुआ अघासुर श्री कृष्ण के प्राण हरने जा पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। अघासुर दूर से उनके खेल को भांप रहा था। उसने अपना शरीर 8 मील तक लंबा कर लिया और एक भयानक सांप का रूप ले लिया। इसके बाद एक पहाड़ के पास अपना मुंह खोलकर बैठ गया। उसका विशाल शरीर एक पहाड़ की तरह था और उसका मुंह एक गुफा की तरह खुला था। उसने सोचा कि श्री कृष्ण के साथ उसके सारे दोस्तों को भी निगल जाएगा। जैसे ही सारे बालक उसके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये एक गुफा है और वो सब उसके अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया और श्री कृष्ण के साथ साथ उनके सभी दोस्त इस राक्षस के मुंह में फंस गए। उसके जहरीले शरीर में अंधेरे में कैद सभी बच्चों का दम घुटने लगा। लेकिन तब उसके शरीर के अंदर श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप लेना शुरू किया। वो अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगे, पर जैसे जैसे वो अपने शरीर का आकार बढ़ाते, अघासुर भी ठीक वैसा ही करता। ये देख श्री कृष्ण और तेजी से अपने शरीर को बढ़ाने लगे। आखिरकार अघासुर दर्द से तड़पने लगा। उसका भयानक शरीर कांपने लगा। उसकी बड़ी आंखें फूल गई। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा और फिर कुछ ही पलों में उसके सर के ऊपरी हिस्से में एक छेद बन गया, जहां से धीरे धीरे उसका शरीर हटने लगा और देखते ही देखते इस खतरनाक राक्षस के 2 टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उसका वध कर अपने सभी साथियों की जान बचा ली। जब अघासुर जैसा खतरनाक राक्षस भी श्री कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचा सका तो कंस ने छल की मदद लेने की सोची और वत्सासुर नाम के राक्षस को एक मासूम गाय का बछड़ा बनाकर उसने श्री कृष्ण की गायों में शामिल होने के लिए कह दिया। एक दिन बलराम जी और कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे बैठकर अपनी गायों पर नजर रख रहे थे। तभी वत्सासुर ने एक बछड़े का रूप ले लिया और गायों की भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका ये छल श्री कृष्ण ने दूर से ही देख लिया था। श्री कृष्ण ने बलराम जी के पास जाकर उस राक्षस के वहाँ होने की बात बताई और दोनों भाइयों ने मिलकर उस असुर को मूर्ख बनाने की तरकीब सोची। वो अपनी बातों में व्यस्त होने का नाटक करने लगे, जैसे कि उन्हें उस असुर के वहाँ होने की कोई खबर तक नहीं है। वो धीरे धीरे असुर की तरफ बढ़ने लगे। ये देख वत्सासुर खुश हो गया। वो श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, श्री कृष्ण ने उसे पीछे के पैरों से और पूंछ से पकड़ लिया और उसके शरीर को तेजी से घुमाने लगे। उस असुर को मजबूती से घुमाते हुए श्री कृष्ण ने उसे जोर से एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। वत्सासुर पेड़ की ऊंचाई से वापस जमीन पर आकर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानियां हमें ये बताती हैं कि बुराई कितनी भी भयानक और ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई से कभी भी जीत नहीं सकती। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने प्रियजनों की रक्षा की, चाहे वो भयंकर तूफान से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाना हो, कालिया के विष से हर किसी को बचाना हो, या फिर किसी असुर के बुरे इरादों से लोगों को सुरक्षित रखना हो और इस प्रकार धरती पर अपने बाल कृष्ण
कृष्ण अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया और इस संसार को उनके पापों से मुक्त किया। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।